अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हाज़रीन, आज कुछ ऐसी बातें हम करेंगे जो डॉक्टर साहब खुद भी करना चाह रहे थे और हमारे लोगों ने भी अपने हमें मैसेजेस करके कमेंट्स के अंदर जो पूछा था। एंड ऑब्वियसली वी विल आल्सो टॉक अबाउट द हॉन्टेड प्लेस वी आर एट। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गो टू वर्ड डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? कैसे सबसे पहले बताएं, कैसा लगा आपको जब आपने पिछली वीडियो का रिस्पॉन्स देखा? रिस्पॉन्स हर तरह का था। जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोग ये कल्चर ख़त्म करना चाहते हैं, पीर फकीरों का बाबा कल्चर जो हमारे मुल्क में चल रहा है, उन लोगों ने तो बड़ा अप्रिशिएट किया है। लेकिन जो उसी माइंडसेट के हैं, उन लोगों ने क्रिटिसाइज़ भी किया है, गाली गलोच भी, बदतमीज़ी भी, सब चीज़ें साथ साथ चलती हैं। मैं यूज़ टू हूँ, ये मेरे लिए कोई फर्स्ट टाइम नहीं था सोशल मीडिया पर आना, मैं 6 साल से टी वी पर आ रहा हूँ। सर, मुझे एक तो बात बिफोर मूविंग ऑन, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि सर, एक तो होता है जो आपको कोई बंदा मिलने आए या कोई पेशेंट आए तो वो आपके क्रिटिसिज्म करें, और एक जिस तरह ये सोशल मीडिया पे हुआ है, तो दोनों को क्या डिफरेंस है? आपके ख्याल से जो आपका पर्पस है ये सारा कुछ करने का, जिस चीज़ों में आप हैं, वो कहाँ तक अंडरमाइन होता है या कहाँ तक उसको फैलाने में मुश्किल होती है जब दोनों, या जो फ्रंट टू प्रैक्टिकली जब सामने पर्सनल इन पर्सनल आपसे कोई क्रिटिसिज्म करे या फिर जिस तरह सोशल मीडिया पे करते हैं? जो तो सामने बंदा बैठा हो ना, उससे गुफ्तगू करना बड़ा आसान होता है। आप उससे फ़ौरन बात करते जाते हो, बात पे बात, बात पे बात, पंच पे पंच। लेकिन जो सोशल मीडिया पे टाइपिंग होती है ना, उधर आप एक बात मैसेज जो है ना, जो आप कहना चाह रहे हो, बात अगले बंदे तक पहुंचा नहीं पाते। मैं अवॉइड करता हूँ फिर रिप्लाई करने से। मेरा मोबाइल नंबर मेंशन है, मेरा एड्रेस मेंशन है, मैं घर पर मिलता हूँ, मेरी कोई दुकान या ऑफिस नहीं है। तो जिसने बात करनी है मुझे डायरेक्ट मोबाइल पर कॉल करे, मेरे पास घर आए, घर बैठ के मेरे से फेस टू फेस बात करे। चलिए सर, शुरू करते हैं। आप कुछ सवालों के जवाब देना चाहते थे जो पूछे गए आपसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दूंगा। मैंने जो बातें कही हैं मैं आज भी उन पे खड़ा हूँ, और मैं उनके बारे में आपको हर तरह से क्लियर करूँगा। सो आई थिंक शुरू करते हैं फ्रॉम टॉकिंग अबाउट के जादू का असर, एक गलत जादू जो होता है उसमें, और एक रूहानी इल्म की जो ताकत होती है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एंड फिर उधर से हम आगे चलेंगे, क्या क्या आप पे जिसने आपने वो कॉमेंट आया था कि जादू शिरक है, फिर उन्होंने कोई एलिगेशन थी कि आप जादू कर रहे हैं क्योंकि आप माँ का नाम पूछते, तो आपने वो भी बताना है, और फिर आपने ये बताना है किस तरह ये इल्म या फिर जादू असर कर आपको ना। मेरे ख्याल से जो एक और भी मसला है जिसने पढ़ा था मिलने से पहले आपको, तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ था इस बात से कि एक तो तावीज़ जिस बात से मशहूर है ना, वो ये है कि काले जादू में जो लिखाई यूज़ होती है ना, उसको तावीज़ कहा जाता है, और एक तावीज़ कहा जाता है, और एक अच्छा तावीज़ है जो आप बचपन में आपको पहनाए जाते थे, तो वो एक डिफरेंस तरह समझाते हैं, फिर आगे वही कहानियाँ। प्लीज़, ज़िंदगी में जब भी आप किसी से लेके पहने तो बस ये देखें उसमें कोई अरबी या अल्लाह ताला का कलाम पाक लिखा हो, डेट सीट अल्लाह का कलाम लिखा है तो आप उसको पहन सकते हैं। आजकल यहाँ पे न्यूमरोलॉजी चलती है, नंबर लिखे होते हैं डब्बियाँ बना के, फिर अलग अलग ड्राइंग्स बनाई होती हैं, अलग अलग ड्राइंग्स बनाई होती हैं, वो चीज़ें गलत है, वो जादू से रिलेटेड है। अगर तो अल्लाह का कोई कलाम लिखा है, कोई भी दुरूद शरीफ लिखा, कोई आयत लिखी है, कोई कलमा लिखा, कुछ भी लिखा है जो कि कलाम में पाक से रिलेटेड है, आप उसको पहन सकते हैं, वो जादू से रिलेटेड नहीं होगा तावीज़। बाकी जो होंगे वो जादू से रिलेटेड होंगे। अब आप गुनाहें और ये जो लोगों ने फतवे मुझ पर लगाए कि जी मैं मुशरिक हूँ, मैंने इस्लामिक स्टडीज़ में PhD की हुई है, मौलवी नहीं हूँ मैं, मौलवियों की रग रग से वाकिफ़ हूँ और उनसे फैटअप भी बहुत हूँ, लेकिन दीन को मैं अच्छे से समझता हूँ, उस दीन को जो कि वाकई में हकीकत में दीन इस्लाम है। हमारे यहाँ पे जो दीन बताया जाता है, जो दीन बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, जिस पे अमल किया जाता है, वो मौलवियों का दीन है। मौलवियों के दीन इस्लाम में और हकीकी दीन इस्लाम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जो कि आज का यंग जनरेशन को पता है लेकिन पुराने लोगों को नहीं पता। बुखारी शरीफ जो है वो किताब असल में 20 जिल्दों की है, अब वो 3 जिल्दों पर रह गई है। अब आप बग़ैर मुताले के आप किसी इंसान को ऐसे शिरक के फतवे, और वो जी वो जादूगर है, और वो जादूगर वाजिबुल कत्ल, इस तरह के फतवे लगाना ठीक नहीं है। ये नासूर जो है ना, ये सिर्फ हमारे पाकिस्तानी कौम में है। आप भाई यूरोप, एशिया, अमेरिका में जाएं, वहाँ पे कोई आपको काफिर नहीं कहता, ना कोई आप इस तरह के गलत इल्ज़ाम लगाता है। अब जो मुझ पर एतराज़ दूसरा उठा कि जी मैं जादूगर हूँ और मैं माँ का नाम पूछता हूँ इसलिए मैं जादूगर हूँ, अब ये मैं आपको क्लियर करता हूँ, अब गौर से सुनिएगा जिन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया मुझ पर। जब आप किसी इंसान के पास जाते हैं, आपके साथ कोई रूहानी मसला है, आप उनके पास जाते हैं, वो शख्स आपसे सामने बैठे आपका नाम पूछता है, आपकी नाम माँ का नाम पूछता है, वो आपका पूरा बैकग्राउंड बता देता है, वो यहाँ तक बता देता है आप क्यों आए, आपका फ्यूचर भी बता देता है, वो इंसान जादूगर है। अब एक हाज़िरी भी की जाती है, वो जो लोग आते हैं मैं उनके लिए करता हूँ। जिस शख्स को डाउट है मुझ पर जादू है, वो अपनी कोई लास्ट टाइम पहनी हुई जो कमीज़ है ना, वो धुली हो, पाक हो, वो कमीज़ वो ले आए, मैं उसको ज़मीन पर बिछाऊँगा, उसकी ये जो सिलाई है ना, कॉलर की सिलाई से लेकर ना उसके दामन तक की जो सिलाई है उसको मेजर कर लूँगा,
उसकी पेपर पे मेजरमेंट लिख लूंगा कि 5 हाथ 3 उंगलियां 4 उंगलियां लिख लूंगा। फिर मैं कुरान पाक खोल के कुछ कलाम पढ़ूंगा, कलाम पढ़ने के बाद मैं कहूंगा कि फलां इब्ने फलां या फलां बिनते फलां ये इस कमीज़ का पहनने वाला है, इस कमीज़ की मलकियत रखता है। जो मैंने पाक कलाम पढ़ा, इस पाक कलाम के मौकलात यहाँ पे तशरीफ लाएं, और ये जो कमीज़ का पहनने वाला है अगर इस पे जादू है तो इस कमीज़ की पेमाइश को छोटा कर दें, अगर इस पे कोई जिन्नात या कोई ऐसे भी मामला है तो इसकी कमीज़ की पेमाइश को बढ़ा दें, और अगर ये किसी तिबी मर्ज़ का नफसियाती या कोई मेडिकल बीमारी है कोई इसके साथ उसका शिकार है तो कमीज़ को अपनी असली हालत में रहने दें। ये पढ़ने के बाद मैं 3 बार उस कमीज़ पे फूंक मारूंगा। आप उसके बाद उस कमीज़ को मेजर करेंगे तो उसकी मेजरमेंट या छोटी होगी या ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, वहाँ से आप डायग्नोज कर लेंगे। ये मैं यूजुअली नहीं करता, रेयरली कुछ लोग होते हैं, लेकिन जिनके लिए आपने किया ये कभी इसका रिजल्ट आता है 100% एक्यूरेट आता है। मेरे हाथ से अगर लोगों को शिफा मिलती है तो मेरी वजह से नहीं मिल रही, वो अल्लाह के कलाम से मिल रही है। सब कुछ करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शाइन कदीर। अब ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी मैं कुरान पाक भी दिखाऊंगा आपको, मैं कुरान पाक लेके आया हूँ, उसमें रेफरेंसेस मौजूद हैं हर चीज़ के कि कौन सी आयत को कौन सी सूरत को मैं कैसे किस मकसद के लिए यूज़ करता हूँ, अभी मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। अब जो मैं कलाम पढ़ता हूँ, कलाम पढ़ किसी की माँ का नाम लिया तो कलाम पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो उसका हमजाद सामने आता है, उसके साथ अगर कोई इवन एंटिटी है वो सामने आ जाती है, मुझे पता चल जाता है इस इंसान के साथ ये मामला, डेट्स इट। मैं उसके बारे में गैब की कोई बात नहीं बता सकता, ना मैं पूछता हूँ, क्योंकि मैं जो कलाम पढ़ के बुला रहा हूँ वो अल्लाह का कलाम है और वो अल्लाह के नेक फरिश्ते हैं, नेक मौकलात हैं, वो किसी की प्राइवेसी को कभी भी जाहिर नहीं करेंगे मुझ पर, वो प्राइवेसी रखेंगे। हाँ, जिस मकसद के लिए मैंने पढ़ा है उस मकसद तक के लिए वो मुझे दिखा देंगे। लेकिन अगर कोई बंदा आपसे, और मैं चेहरा तस्वीर इसलिए देखता हूँ, किसी की तस्वीर मांगता हूँ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, कि मैं उसका चेहरा देख सकूँ। जो आँखें हैं ना, ये शैतान का हथियार है, आँखों से ही सब कुछ होता है, दुनिया पे जितने खेल हैं ना वो आँखों से चलते हैं, नज़र भी आपको आँखों से लगती है। वो फैसलाबाद में एक बंदा था, उसने 300 औरतों को प्रेगनेंट किया, एक औरत थी वो अपने 6 माह के बच्चे का दिल निकाल के लेके ज़िबा करके किसी बाबा के कहने पे, एक लड़का उसने अपने घर में सुरंग खोद ली, 40 फीट दूर गया, सुरंग खोद के मर गया सांस घुटने से। क्यों जी? वो बाबा जी ने कहा था तेरे घर के नीचे से खजाने को एक सुरंग जाती है। मैं ये चीज़ें ख़त्म करना चाहता हूँ यार, मेरे अंदर एक दर्द है कौम के लिए, लोगों के लिए। मैं भला चाहता हूँ कि यार ये एक बीमारी है, कुरान में आया था, कुरान में बीमारों के लिए शिफा मौजूद है, अब वो कुरान लोगों के इलाज के लिए भी आया है। आप अगर उसको मिसयूज़ कर रहे हैं और ये जो पीरों फकीरों की अकीदत में पड़ गए हैं, एक दाढ़ी जो है ना, दाढ़ी सुन्नत रसूल है, मैं उसका बड़ा एहतराम करता हूँ, हमारे यहाँ पर वो लाइसेंस बन चुका हुआ है। 2 भाई कश्मीर के, उन्होंने अपनी बहन को 3 महीने ज्यादती का निशाना बनाया, अपना बहन के साथ रेप करते रहे हैं, करके फतवे लगा रहा है, ये इस्लाम नहीं था। सूरह बकरा की आयत नंबर 20 है, अल्लाह ताला फरमाते हैं दीन में जबर नहीं है, हर बंदा आज़ाद है, आप किसी पे अपनी मर्जी नहीं मुसल्लत कर सकते। डॉक्टर साहब, एक सवाल आया लाइव वीडियो पे, जी जी, के दे वांट टू नो हाउ पीपल प्रिसीव व्हाट यू डू, तो जो आप कर रहे हैं लोग कैसा प्रिसीव करते हैं, सुनते हैं कि आप एक एक्सरसिस्ट हैं, लोगों के क्या तासुरात होते हैं जब आप मिलते हैं, आप बताते हैं मैं एक्सरसिस्ट हूँ। कुछ लोग तो है ना वो गुफ्तगू से इंस्पायर होते हैं। एक मिनट, आप जवाब देने से पहले, अगर इफ़ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस तो आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं लाइव 03049357214। आई रिपीट 03049357214। आई रिपीट 9357214 0304। अच्छा, जो हमजा ने सवाल किया, जो लाइव सवाल आया, जो लोग तो पुराने माइंडसेट के ना पीर बाबा कल्चर के, रिसेंटली मुझे परसों किसी यूनिवर्सिटी की लेक्चरर है माशाल्लाह, वो तो उनकी फैमिली में कोई मसला था तो उन्होंने अपनी मदर से बात की काफ़ी देर से उनके घर में, तो उनकी मदर ने कहा ऐ ते जवान मुंडा खुंडा पंजाबी में, ऐ ते 30 साल का मुंडा खुंडा लगता, तो यह कि हो जाएगा कम कर दो है। अब लोगों का माइंड सेट बन गया हो ना, दाढ़ी हो, वो सफ़ेद लंबे लंबे बाल हो, हाथ में 110 अंगूठियाँ हो, गले में माला हो, पास बैठे बदबू आ रही हो, लंबे नाखून हो, लंबे दांत, वो काले दांत हो, ठीक है, और कलमा आता ना हो, जैसे वो कसूर के बाबा जी थे जो औरतों को बहना करके तालाब में नहलाते थे, औरतों को बहना करके बाबा जी तालाब पर नहला रहे हैं, औरतें अपने आप को बहना कर रही हैं और तालाब पर नहा रही हैं। अब वो लोगों का माइंड सेट वैसा बन चुका हुआ है, तो जो लोग तो वो पुराने माइंड सेट के ना वो एतराज़ करते हैं, वो फिर सवाल जवाब करते हैं। अब वो आंटी मेरे पास घर आई, उनका बेटा है, वो एजुकेटेड था,
उसको मैंने समझाया, उसको मैंने ब्रीफ किया, उसको समझ आया, उसने कहा हाँ आप सही कह रहे हैं। मैं कहा यार मेरे पास अगर कोई बंदा आता है ना उसकी परेशानियां, मैं उसको खुद कहता हूँ भाई खुद लॉजिकली डायग्नोज करो, ऐसे ही नहीं मुंह उठा के। औरत के जो हस्बैंड है, किसी भी औरत के, वो हस्बैंड की ऑफिस में बॉस के साथ उसकी बहस होगी, मूड ऑफ है, हामन साहब टेंशन में घर रहे हैं, और बेगम ने सुबह जाके बाबा जी को फ़ोन करना है, बाबा जी ने बुला लेना जी वो तुम्हारी सास ने कुछ किया मियाँ बीवी में नोक झोंक के लिए। ये हमारे मुल्क में चल रहा है, वो भी बाबा जी ने 10,000 ले लेना या सोने की अंगूठी उतरवा लेंगे या कड़े उतरवा लेंगे और कहेंगे जी कल आके तावीज़ ले जाना मेरे से। आँखों को खोल के वीडियो देखा करें और गौर से सुना करें सामने वाला बंदा क्या कह रहा है। मैंने कहा था मैं सदका देता हूँ अल्लाह अकबर पढ़ के, मैं किसी जिन्नात या शयातीन को ऑफर नहीं करता और मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ भी हूँ। आप सदका दें, सदके के जो खून होता है ना जानवर का उसमें बड़ी ताकत होती है। अभी कॉल आ रही है, लाउड स्पीकर पे हमें बात याद रखेंगे इस यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करेंगे। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। जी जी पूछें। मेरा नाम मैरो निशा है जी, और मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मेरे घर के हालात और मेरे अपने हालात बहुत बिगड़ते जा रहे हैं पिछले 2-2.5 साल। अच्छा, कोई काम नहीं है, घरेलू हालात बहुत ख़राब है, मुआशी हालात बहुत ख़राब है, घर में अजीब अजीब वाक़ात होते हैं, बीमारी बहुत ज़्यादा है। वाक़ात किस किस्म के होते हैं अजीब वगैरह? अच्छा, तो पहले आप लोगों ने किसी को कंसल्ट किया है, किसी स्पिरिचुअल लीडर को, किसी मौलवी को, किसी इमाम साहब को, किसी पीर साहब को? ठीक चले ठीक है, अभी तो मैं शो में हूँ तो आप मुझे फिर फर्दर कॉल कीजिएगा, फिर मैं आपसे डिटेल लेके फिर घर भी आपका चेक कर लेंगे कि घर में कोई आया मामलात हैं, पूरे घर पे किसी ने जादू किया है या आप पे या आपके हस्बैंड पे किया है, ये सारा जो है ना वो फर्दर जो है ना इन्वेस्टिगेट करेंगे तो फिर इसके सोल्यूशन की तरफ भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो आप मुझे कॉल कर लें, अभी मैं एक शो में बैठा हूँ, ये लाइव कॉल ले रहा हूँ, ये शो में आ रही है आपकी कॉल। ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब अगर एक दफ़ा क्वेश्चन दोहरा भी दें मैं थोड़ा सा उसके बारे में। ये कॉल पे क्वेश्चन था, लेडी बता रही थी कि मेरे घर में 2-2.5 साल से बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियली भी हम लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में, बीमारियां भी आती हैं घर में अजीबो गरीब, हादसात भी होते जा रहे हैं, और मैं बहुत से पीरों फ़कीरों के पास गई हूँ, बहुत से लोगों के पास गई हूँ लेकिन मुझे सोल्यूशन नहीं मिला। तो मैंने अब उनको कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेट करूँगा आपके घर को, चेक करूँगा कि घर पर आया पूरे घर पर किसी ने किया है या आप जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं मेन उनको टारगेट किया गया है, क्योंकि अभी तो हम लाइव शो में है ना, तो अब कोई ऐसा मसला नहीं था जिसका मैं उनको सलूशन बताता, उनका केस जो है वो क्रिटिकल हो चुका है, जो बिगड़ चुका है, क्योंकि आप अलग अलग डॉक्टरों के पास हैं, आपकी बीमारी बिगड़ जाती है, 2.5 साल पुरानी है। यानी हम बात कर रहे थे सदके की, सदके खून में खून के खून को बहुत तासीर है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि दीन इस्लाम में ये हुक्म है जब आप कुर्बानी करते हैं ना, ये ईद उल अज़हा गुजरी है तो कुर्बानी का जो जानवर होता है जब आप उस पर तकबीर फेरते हैं ना तो उसका खून है ना वो आप घर में कोई मिट्टी का गड़ा खोद के उस गड़े में दबाएं, उसको गटरों में गलियों नालों में ना बहाएं। कोई मैं दावा करके चैलेंज करके मैं करता हूँ, मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, मैं ऐसा कुछ नहीं करता, वो मैं करता हूँ फिर मेरी लिमिट्स हों, मेरी लिमिट कोई नहीं है, मेरे पास जितने मर्जी केसेस आएँ रेमेडीज़ बना के, तो रात मैंने जागनी है, मैंने पढ़ाई भी करनी, इबादत भी करनी, तहज्जुद भी पढ़नी, बाहर के मुल्क बैठे लोगों को डील भी करना, उनको रिप्लाई भी करना, और मेरी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेरी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, मैं 24/7 चलता हूँ, मेरा मोबाइल ऑन होता है, मेरा व्हाट्सएप, फेसबुक, स्काइप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, हर चीज़ मेरी ऑन है, तो लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैं जब जब देखता हूँ उनको रिप्लाई करता हूँ, उनको जवाब देता हूँ। ठीक है, दूसरा सवाल आया कि मैं मुल्क से बाहर बैठे लोगों को डील कर सकता हूँ या जादू का जादू दूसरे मुल्क में से बैठे हुए होता है कि नहीं? एक और मुल्क में देखा सम टाइम होता है, बेसिकली कहा यह जाता है आप समुंदर पार करें आप पे जादू है, आप समुंदर पार करें आपका जादू टूट जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास जो जादू करने की ताकत है वो सिर्फ हमजाद है, कब्र के मुर्दे कब्रस्तान में दफनाते हैं, अगर तो वो जादू है ना किसी पे आसेब का तो वो समुंदर पार नहीं चल सकता, वो टूट जाएगा समुंदर पार करने के बाद। अगर किसी के पीछे जिन्नात या शयातीन है उनकी पावर होती है वो समुंदर पार ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ जादू ऐसे होते हैं जो समुंदर पार भी असर करते हैं आपके जाने के बाद भी, कुछ लोग होते हैं ये पाकिस्तान से बैठे अमेरिका बैठे किसी बंदे पर जादू करवा रहे हैं वो असर करता है,
आपका दूसरा सवाल कोई रह गया सर, इसी के अंदर मैं इसकी एक एडिशन जाऊंगा कि जो इस तरह आपने भी कहा डिफरेंट टाइप ऑफ जादू होते हैं, जिन्नात होते हैं, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर फॉर जिस तरह आप कह रहे हैं ना, आप घर बैठे बैठे अपना इलाज कर रहे हैं, तो मैं चाहूंगा आप बताना शुरू करें कि ये एक किताब है मुफातिल जनान, शेख अब्बास कुमी राइटर है उसके, उन्होंने लिखी है। उस किताब में दो अहादीस मौजूद है, अहादीस कोट करूँगा। अब मसला ये है कि बाबा जी कोई बात कहते हैं ना, तो वो अपने बाप की बात से भी ज़्यादा अहमियत रखती है। ये लोगों का माइंड सेट बन चुका है। हदीस पढ़ेंगे ना किसी किताब में, खुद उस पर इतनी जल्दी वो अमल नहीं करेंगे, उसको फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन मैंने जो पढ़ना है, जो मुझे मज़हब के मुताबिक लगेगा, मैंने उसको फॉलो करना है। मैंने किसी की ऐसे बात पर नहीं जाना। अब जो हदीसें दो हैं वो ये है कि जो आपके साथ एक शैतान है, हमजाद, जिन का बच्चा पैदा होता है, उससे बचने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा दूध पाक का विर्द करें। और बाहर से जो आपके जिन्नात या शयातीन अटैक करते हैं, उससे बचने के लिए एक आयत है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। बाहर के जिन्नात शयातीन से बचने के लिए भी, और अपना जो आपका हमजाद, अपना नफ्स, अपना जो शैतान, अपना जो जिन है आपके साथ, एक जिन का बच्चा हमजाद जो पैदा होता है, जिसका सूरह बकरा में जिक्र है, उससे बचने के लिए आप दुरूद पाक का ज़्यादा से ज़्यादा विर्द करें। अब ये दोनों विर्द मैंने आपको बता दी हैं, आप ये दोनों ज़्यादा से ज़्यादा करें, आप इन चीज़ों से बचे रहेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने पीछे दोनों चीज़ें बताई हैं, तो बड़ी बेसिक हमें दीन की बताइए, एक तौबा है और एक हमारे दुरूद पाक है। हाँ जी, तो क्या जादू से बचना इतना ही आसान है? देखें, जो दुरूद पाक है ना, उसकी फजीलत क्या है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि ऐ फरिश्तों, ये अमल मैं खुद भी सर अंजाम दे रहा हूँ, ऐ लोगों तुम भी सर अंजाम दो मेरे और मेरे फरिश्तों के साथ मिलके। दुरूद पाक वो अमल है जो अल्लाह ताला खुद कर रहा है। अल्लाह ताला को किसी इबादत की, किसी अमल की ज़रूरत नहीं है। वो तो अल्लाह है, वो तो खालिक है, वो तो माबूद है। वो जो अमल सर अंजाम दे रहा है, वो दुरूद पाक है, उसकी ये फजीलत है। और जो दूसरी मैंने आयत आपको पढ़ के बताई है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियिल अज़ीम, इसमें अल्लाह ताला की बड़ाई का जिक्र है कि अल्लाह ताला कितना बड़ा है, अल्लाह ताला की ताकत का जिक्र है। जब आप अल्लाह ताला की ताकत की गवाही देते हैं ना, तो इस आयत के जो मौकलात फरिश्ते हैं ना, वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको हेल्प आउट करते हैं, आपको परेशानी से निकालते हैं। मैं खुद पर्सनली हर वक्त इन दो जो जिक्र मैंने आपको बताया, इनका पर्सनली मैं विर्द करता हूँ। मैं अगला सवाल सर, जो ये विर्द है, मतलब दुरूद पाक हो गया या फिर तौबा करनी हो गई, ये बड़ी बेसिक चीज़ है। मतलब अगर कोई भी मसला हो, बंदा ये सबसे पहले करता है, तौबा भी करता है बंदा। अगर ये पूरा लाहौल ना पड़े, फिर भी तौबा बंदा करता है, नियत अमाल का दारा बंदा नियत के ऊपर। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि इंटेंसिटी लेवल्स होते हैं, जादू भी हुआ हो या जिन्नात भी चिमड़े हो, तो इंटेंसिटी लेवल्स होते हैं। एक कॉल आ रही है, मैं फिर उसके ये सवाल याद रखिए। हेलो जी, भाई साहब, ठीक है, मैं आपको ये शो में जवाब देता हूँ। अच्छा, सो इन भाई का सवाल भी, जो उनसे सवाल पूछा गया वो ये है कि अगर, जो मुझे सवाल समझ आई कि अगर कोई चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाए आपको, जिसमें मैं आपको कहता हूँ डिफरेंट इंटेंसिटी लेवल्स होते हैं, पिछल पैरी नज़र आ गई, आपके साथ कोई फिजिकली चीज़ हो रही हो, या फिर सिर्फ नज़र आ रहा हो, और जादू के भी डिफरेंट लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल जादू भी होता है कि जिसका ये काम ना हो, इनकी बने ना, फिर कुछ होता है जो सेहत पर इफेक्ट करें, कुछ होता है जान लेने वाले भी। तो क्या सबका एक ही इलाज है? और अगर सबका इतना बेसिक इलाज है, तो ये वैक्यूम कहाँ से क्रिएट हुआ कि ये जो फेक बाबाज हैं या फिर ये पीर हैं, इनको आना पड़ा इस पिक्चर के अंदर? देखिए, हर बीमारी का अलग अलग इलाज होता है, और इस सवाल के अंदर वो भाई का भी ये सवाल बेसिक, हाँ, ये इनका सवाल भी इसमें आता है। बेसिक जो है ना, वो सेम ही है, ठीक है। अब आप कहीं पर जाते हैं, आपको लग रहा है यार मैं जंगल में सफ़र कर रहा हूँ, सहरा में सफ़र कर रहा हूँ, ट्रैवल में हूँ, कहीं पर भी आप जा रहे हैं, अपने आप को हिसार करें। हदीस है, हिसार भी मैं बता देता हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था, कोई डॉक्टर थी मेरा ख्याल, साइकेट्रिस्ट थी वो भी, हिसार क्या है? जो हदीस से मंसूब हिसार है, सूरह इखलास का, कुल हुवल्लाहु अहद का, तीन दफ़ा पढ़ के अपने सामने फूंकें, तीन दफ़ा पढ़ के अपने पीछे फूंकें, तीन दफ़ा पढ़ के अपने दाएँ फूंकें, तीन दफ़ा पढ़ के अपने बाएँ फूंकें, तीन दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर की तरफ फूंकें, तीन दफ़ा पढ़ के अपने नीचे की तरफ फूंकें, फिर आखिर में तीन दफ़ा पढ़ के अपने ऊपर फूंकें। अब ये जो फूंक मारना है ना, पढ़ के कलाम, ये आपको बचाता है, ये आपको उस ईवल एंटिटी से, जिन्नात और शयातीनी मखलूकात से महफूज रखता है।
लेट्स सपोज अब जो भी सवाल किया गया कि आपको किसी जगह पे, अब जब जैसे हम इस जगह पे बैठे हैं, अब इस घर में बैठे हैं, तो मैंने आप सबको भी इशार किया था उससे, और अपने आप को भी मैंने इशार किया कि हाँ भाई हमारे ऊपर कोई चीज़ ना गिरे आगे, या भी ये पीछे लकड़ी के फट्टे पड़े या कोई चीज़ें पड़ी या कोई चीज़ कोई एंटिटी उठा के हम पे ना फेंक दें, क्योंकि हम उनका जिक्र कर रहे हैं ना, तो अब वो हिसार है हम पे, हम पे कोई चीज़ अटैक नहीं कर सकती, हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। क्यों? क्योंकि अल्लाह का कलाम पढ़ के हमने फूंक मार ली है। हदीस शरीफ है, अगर आप रात को सोने से पहले 3 बार सूरह इखलास पढ़ के अपने आप आपको फूंक मार लेते हैं तो 5,000 मलाइका आपकी हिफाजत में मामूर हो जाते हैं, 5,000 फरिश्ते। अब अगर आप इस बात पे ईमान रख के कि हाँ मैं अल्लाह का ये कलाम पढ़ूंगा, अल्लाह की ये कुरान पाक की सूरत पढ़ूंगा जिसमें अल्लाह की तौहीद और वादानियत का जिक्र है, ये अल्लाह की फजीलत है ना, अल्लाह की फजीलत का लेवल है कि आप तौहीद और अल्लाह की वादानियत बयान कर रहे हैं, आप वो सूरत पाक को पढ़ के अपने ऊपर फूंक मार के सो जाते हैं इस अकीदत के साथ, इस यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ कि 5,000 फरिश्ते आपकी हिफाजत में मामूर होंगे, तो वो होंगे। और मैं आपको एक जनरली, चले बड़े बड़े लोगों ने मुझे चैलेंज किया ना, बड़े बड़े फतवे लगे, एक रेमेडी बताने लगे, बड़ी आसान सी मेरे जहन में आ गई है, रेफरेंस दे रहा हूँ, पहले रेफरेंस नोट कर लें। एक किताब है नहजुल बलागा, हज़रत अली से मंसूबा उन्होंने लिखी हुई है, उसमें उनके फरामीन है दुनिया पे, आखिरत पे, हर चीज़ पे। उसमें आखिर में अल्लाह उनका एक ना एक फरमान मौजूद है कि इंसान के साथ 2 फरिश्ते होते हैं जो इंसान के अमाल लिखते हैं, जिनको हम करामन कातिबीन कहते हैं। इसके अलावा इंसान के साथ 2 फरिश्ते और हैं मामूर, जो इंसान को दुनिया में अलग अलग हादसात से बचाते हैं। जैसे आपने सवाल किया था ना मौकल फरिश्तों का, ये वही जवाब आ रहा है। अब वो फरिश्ते जो है वो आपको अलग अलग हादसात से बचाते हैं, अलग अलग मुश्किलात से, परेशानियों से निकालते हैं। अक्सर आप देखते हैं ना, यार मेरे साथ ये वाक्य हुआ था, एकदम से मैं बच गया, मुझे समझ नहीं आई, ये वो फरिश्ते होते हैं। ये फरिश्ते सिर्फ मौत के वक्त हट जाएंगे, तब तक ये आपके साथ रहेंगे, ये 2 फरिश्ते। अब आप फजर के लिए उठना चाहते हैं या तहज्जुद के लिए, आप रात को सोने से पहले अपने दोनों तरफ कह के सो जाएं कि मेरे साथ जो मलाइका मामूर हैं वो मुझे फलान टाइम पे उठा दें। कोई अलार्म नहीं लगाना मोबाइल पे, कोई साइड टेबल पे अलार्म नहीं लगाना, कुछ भी नहीं करना, आपने उनको सिंपल ये कह के सोना है कि मेरे साथ जो मलाइका मामूर हैं वो मुझे तहज्जुद के वक्त उठा दें या फजर के वक्त उठा दें। अल्लाह के फजलो करम से आपकी उस वक्त आँख खुलेगी, बजाय कोई आपको हिलाए पाँव पकड़ के, कोई आपको हिलाएगा नहीं, आपकी आँख खुलेगी अचानक से, और आप जब घड़ी पे देखेंगे तो वही वक्त होगा जिस वक्त पे आप उठना चाहते थे। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब हम सो जाते हैं हमारे जिस्म से हमारी रूह और हमजाद निकलता है अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के इज़न से। अब जब हम फरिश्तों को कह देते हैं ना, तो फरिश्ते उस टाइम पे उनको वापस भेजते हैं अल्लाह के हुक्म से कि इस बंदे ने उठना है, और उसी वक्त हम बेदार भी हो जाते हैं। अब जो नहीं मानता ये रूहानियत पे, मलाइका जिन्नात और ये अल्लाह के कलाम की तासीर होती है, अल्लाह का कलाम कैसे असर करता है प्रैक्टिकल करके देख ले। अच्छा, जिस और आपने एक और बात की थी, मुझे अब याद आई कि कोई क्रिश्चियन है तो उसकी रूह कैसे होगी, क्योंकि आप बार बार वो कह रहे हैं ना कि कोई मुसलमान रूह होगी तो तंग नहीं करेगी मुसलमान, तो मैं उसका क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। रूह नेक होती है हमेशा से, अल्लाह ने हर इंसान को फितरत पे पैदा किया, और इस्लाम दीन फितरत पे है, जो दीन इस्लाम है ना फितरत पे है, हर इंसान इस्लाम पे पैदा होता है, उसकी परवरिश उसकी आगे जो माहौल है फैमिली में जिसमें पैदा होता है। जो इधर कहते हैं बड़े लोग काफ़ी, इसमें से एक मकदार जो कॉमेंट कर रही है वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी अगर काफ़ी लोग हैं इसमें जो नहीं मानते, वो कहते हैं हम नहीं मानते जिन्नों वगैरह के अंदर, आप उन्हें क्या कहेंगे? जो जिन्नात को नहीं मानता ना, ये मेरी जो अब मैं बात कहने जा रहा हूँ ये आपने पूरी दुनिया तक पहुँचानी है, पूरी वीडियो ना पहुँचाएं, ये बात जो अब मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ ये पहुँचाएं। जो बंदा किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, दुनिया के जिस मर्जी कोने में रहता है, जिन्नात को नहीं मानता, जिस मुल्क में है वो मुझे उस मुल्क में बुला ले, पाकिस्तान में है मेरे पास आ जाए, अगर किसी दूसरे मुल्क में है तो मेरे पास पाकिस्तान आ जाए, अपना एक स्टाम्प पेपर बयान अल्फी लिख के अदालत में जमा कराए, अपने माँ बाप से परमिशन ले कि मुझे भी किसी भी किस्म का जानी और माली नुकसान या कोई भी नुकसान हुआ, मैं मेंटली डिसेबल हो गया, मुझे फालज हो गया, मैं मर गया, मेरी लात मेरी टांग टूट गई, मैं लाइलाज हो गया किसी भी मर्ज़ में, कुछ भी मेरे साथ हो गया, उसका ज़िम्मेदार मैं हूँगा। मैं उसको तरीका बताता हूँ जिन्नात देखने का, इंजॉय करे, फिर खुल ढुल के इंजॉय करे। मेरा ओपन चैलेंज है जो जिन्नात को नहीं मानता, कुरान पाक में 29 आयात हैं 29 जिसमें जिन्नात शयातीन का जिक्र है, जादू का जिक्र है, इसके अलावा सूरह जिन अलग से है पूरी की पूरी,
جو نہیں جان مانتا نہیں یقین کرتا میرے پاس آ جائے میں اس کو طریقہ بتاؤں گا شرط یہ ہے پرمیشن لے کے آئے لوکل مجسٹریٹ سے پرمیشن لے گیا وہاں پہ بیان الفی دے کے آئے کہ ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہوگا میں اس کو جن دکھا دوں گا ڈیٹس اٹ ڈاکٹر صاحب پوچھ رہے ہیں لوگ کہ اگر ان کے پاس پیسے نہ ہو تو صرف آپ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے ان کو کچھ بتائیں گے جن لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں دیکھیں جی آپ فیس بک یوز کر رہے ہیں آپ کے پاس 25-30 ہزار کا موبائل ہے 60,000-80,000 کی آپ جاب کرتے ہیں آپ کی لاسٹ ویڈیو کے بعد مجھے کال آئی ایک لڑکی کی میں عید کے دن کی بات ہے میں اپنے کزنس کے ساتھ گیا ہوا تھا فارم ہاؤس پہ ہمارے تو انہوں نے مجھے کال کی تو کہتی ہیں کہ جی یہ جو پروپیگنڈا پیج ہے یہ میرا دوست رن کر رہا ہے نام نہیں میں لوں گا میں نے کہا جی اچھا اب میں نے ان کو ابلائج کرنا تھا نام اور کام ہی نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے سعد نام جی میرا دوست ہے سعد وہ یہ میرے دوست کا پیج ہے تو میں نے آپ کو ویڈیو دیکھی ہے تو میں آپ سے ڈسکس کرنا ہے میں کہا کریں ڈسکس اب وہ ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی میں نے ان کو سارا بتایا تو ڈسکس کرنے کے بعد مجھے کہتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ کیا چارج کرتے ہیں میں نے ان کو چارجز بتائے چارجز بتانے کے بعد مجھے کہتی ہیں اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو کل بتاؤں گی اپنی مدر سے ڈسکس کر کے کل ان سے میری بات ہوئی ویری نیکسٹ ڈے تو مجھے کہتی ہیں کہ نا وہ آپ نے سب کچھ اسٹڈی کہاں سے کیا آپ نے سب کچھ کہاں سے سیکھا آپ نے سب کچھ کہاں سے پڑھا میں نے کہا بی بی مجھے سیلری کی آفر کر رہی ہیں آپ انٹرویو کے لیے پہلے سیلری تو بتائیں میں انٹرسٹیڈ ہوں بھی ہے نہیں جاب کے لیے یہ انٹرویو بات کا میں کہا اور دوسری بات یہ کوئی سات نام کا بندہ اس پیج کو رن نہیں کر رہا نا پروپوگینڈا سے اس کا تعلق ہے آپ کو ویسے فیور چاہیے مجھے بولے میں دوں گا میرے پاس جو بھی آتا ہے میں اس کو فیور دیتا ہوں میں نے کبھی کسی کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا